वाणी। ये वाणी ईश्वर के द्वारा दी हुई मनुष्य की सबसे कीमती भेंट है। ये वाणी ही है जो इस संसार में मनुष्य को अन्य प्राणी से भिन्न बनाती है। ये वाणी ही है जो मनुष्य को संसार में सबसे ऊपर की श्रेणी में रखती है। इसी वाणी से हम एक दूसरे से संवाद विवाद करते हैं, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं और कोई दूसरा भी अपनी भावनाएं हमसे व्यक्त करता है। किंतु ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। आपने देखा ही होगा कि जिनकी वाणी मधुर होती है उनसे ज़्यादा लोग प्रेम करते हैं, उन्हें अपना मित्र बनाते हैं। वहीं यदि किसी की वाणी कड़वी होती है तो लोग उनसे बोलना तक पसंद नहीं करते, उनसे घृणा करते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर अपने इतिहास रच देती है। किंतु क्या सच में हम वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, एक इंसान को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक बहुत कम उम्र में ही बोलना सीख लेते हैं और कुछ ज़्यादा समय लेते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य लगभग 1.5 वर्ष की उम्र में बोलना सीख जाता है। परंतु क्या बोलना है और कैसे बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं पाता। समझने का प्रयास कीजिए कि आपको बोलना क्या है। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, मीठी रखिए और कोशिश कीजिए कि सभी से मधुर व प्रेम भाव से बोले, क्योंकि मधुर बोलना आपके प्रति दूसरों के भीतर आपके लिए प्रेम उत्पन्न करता है और आपको हमेशा सम्मान प्रदान करता है और हर कोई आपका मित्र बनने की इच्छा रखता है। और मधुर बोलने की वजह से ही आप हमेशा चर्चा के विषय बने रहते हैं। तो चलिए इसी मधुरता के साथ मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।